Hello friends, today we talk about my new and first gimbal. So, अगर आप फिल्म मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज है ये गिम्बल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये तो आपको वही बताएगा जो फिल्म मेकिंग करता है। सो मैं बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में सोच रहा था एक गिम्बल लेने की, तो मैंने देखा कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो DJI Ronin SC आप सभी लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में नहीं जानते तो कोई नहीं, आज जान जाओगे। तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने ये क्यों लिया और ये कैसा है। सो ये मेनली मिररलेस कैमरों के लिए होता है और मेरे पास है कैनन का M50 Mark I है। सो मेरे लिए तो ये बहुत इनफ है, क्योंकि बिकॉज मैं अगर अच्छे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लेंस भी यूज़ करूँ तो मेरा सेटअप जब भी ज़्यादा 2 किलो से ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे लिए इनफ था, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। चलो स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। बॉक्स में है, सबसे पहले मैनुअल्स देख लेते हैं और ये आप थोड़े से इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये पहले ही खुल चुका है। तो बैक मैनुअल्स आती हैं, वैसे मैनुअल कोई पड़ता नहीं है, नॉर्मली ये अलग अलग लैंग्वेज में है। तो जितनी ये मोटी दिखा रखी है अगर आप देख सकते देख लो, इनका कोई खास यूज नहीं होता है साइड में। फिर जो मेन का भी छोड़ते हैं, मेन चीज छोड़ देते हैं, एक सी टाइप, ये सी टाइप डाटा केबल है जिसे चार्ज करने में यूज होती है। और ये केबल्स हैं जो कैमरे को कनेक्ट करने में यूज होती हैं। फिर आ जाते हैं हम इसकी बैटरी पर, सॉरी बैटरी, ये बैटरी इनबिल्ड होती है, यही इसका हैंडल है और यही इसकी बैटरी है, इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं होती। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इसे चार्ज भी आपको पूरा गिम्बल असेंबल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हो पाता है, ये इसकी सबसे बड़ी परेशानी है। और इसमें ये आता है ट्राइपॉड, वैसे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे सच में जब मैंने लिया था मुझे बहुत अच्छा लगा कि ट्राइपॉड की रियलिटी में क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मेरी ट्राइपॉड अच्छा काम करेगा। और एक ये आता है मोबाइल होल्डर, और ये भी बहुत अच्छी खासी क्वालिटी का है। और जब मैंने ये लिया था मैंने सोचा मेरा मिनी ट्राइपॉड का कुछ तो काम बच गया कि मैं इसका भी यूज़ कर सकता हूँ फोन अगर उसको यूज़ करने के लिए, पर मेरे पास बहुत सारे नहीं है, बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसे मैंने मिनी ट्राइपॉड पर बहुत सारे ट्राइपॉड्स खरीदे थे जिनके साथ मुझे फोन होल्डर मिल गया था। उसके बाद ये चीज़ें हो गई, कुछ प्लेट्स आती हैं, ये इनके नट बोल्ट्स हैं, ये एक प्लेट है जिसमें आपका कैमरा से स्टैंड पे लगाया जाता है, कैमरा कनेक्ट होता है उसके बाद इसमें कनेक्ट होता है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये है हमारा मेन गिम्बल, इसके नीचे इसकी बैटरी लग जाएगी, और यहाँ ये लॉक कर दिया, और ये ट्राइपॉड इसके नीचे कम। सो इस बॉक्स के बारे में पहले इस साइड करते हैं और मैं आपको बॉक्स के बारे में बताता हूँ। बॉक्स में कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो अगर आप DJI Ronin SC लेते हो तो खाली दिखेंगे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज ये सेम बॉक्स DJI Ronin SC Pro में भी यूज होता है जिसकी कॉस्ट 70,000 के आसपास पड़ती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो उसमें थोड़े से एडिशनल चीजें होती हैं जो इसमें ऐड हो जाती हैं, इसीलिए से बॉक्स सेम रहता है, कैमरा इसके ऊपर माउंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो कैमरा लगा के देखते हैं कैसा लगता है। सो कैमरा तो मैंने निकाल दिया है, ये रहा मेरा कैमरा, अगर आपको पता हो तो ये है कैनन का M50 Mark I। अब गिम्बल लगाने से पहले मैं आपको एक दो तीन चीज़ की क्लियर कर देता हूँ, बताना जरूरी है। तो अगर आप एक खाली फिल्म मेकिंग करते हैं तो गिम्बल के बारे में आपको बहुत नॉलेज होगी फिल्म मेकिंग के बारे में भी, बट अगर आप बिगिनर हैं आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ मैं बता दूँ कि गिम्बल पर
और उसके कैमरे को बैलेंस करना पड़ता है, जिसमें अप्रोक्स अगर आप बिगिनिंग लेवल पे तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। फिर आपको आदत हो जाएगी धीरे धीरे करके, आपको आदत होने लगेगी जहाँ पे आपके 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। बट तब जब आप इसके साथ एक यूज टू हो जाते हैं बिल्कुल, आप इन लेंसों को यूज़ कर रहे हैं आपको आदत हो जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर जब आप इसे लेंस किसी भी लेंस के साथ लगा रहे हैं, आप इसमें एंटी फिल्टर्स पहले ही आपको सब कुछ लगाना पड़ता है, आप चेंज बाद में उसके साथ चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने एक मान लीजिए आपने ये किट लेंस लगा रखा है 15-45, अगर मैंने इसे बैलेंस कर दिया, इसके बाद अगर मैं बाई चांस मान लीजिए मैंने इसके साथ ढक्कन लगा के इसे बैलेंस कर दिया और बाद में मैंने ढक्कन पहन, सारा बैलेंस खराब हो जाएगा। और बैलेंस की सबसे बड़ी दिक्कत है आपका गिम्बल कोई सा भी हो, महंगा कितने महंगा हो, सस्ता कितना ही हो, अगर आपने सही से बैलेंस नहीं किया तो उसकी मोटर खराब होने का डर लगा रहता है। सो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल प्यार से इसे असेंबल करना है, इसे बैलेंस करना है। आप इसकी मोबाइल में ऐप आती है DJI की, आप उसमें चेक कर सकते हैं इसके बारे में कि आपने सही से असेंबल किया है या नहीं किया है, और एप्लीकेशन में आपको कई सारी चीज़ें मिलती है। तो हाँ, एक साथ ही एक ये प्लेट आप देख सकते हैं, ये भी उसके साथ आती है। वैसे इसकी कोई कह सकते हैं इसकी ज़रूरत नहीं होती, आपकी मर्जी होता है ये लगाओ या ना लगाओ, पर मोस्टली ये छोटे कैमरे के साथ ही लगाई जाती है। ठीक है, ये लगा रखी जिसमें एक पेच है, मैंने आपको पेच बताए थे, ये पेच हमें इसके अंदर से लगाना होता है। सो हमने गिम्बल बैलेंस कर दिया है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। सो DJI में यहाँ होता है इसका पावर बटन, आपको दबाए रखना है। इसमें तीन लाइट्स होती हैं, ये जल के किसी ये मोड से इसके, अब इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा खास बता नहीं सकता बिकॉज ये कुछ ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें रहती है। अब जो आप गिम्बल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप और भी कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप इसके ऐप के थ्रू आप इसे जो भी है इसके मोड्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो, टिल्ट पैन रोल आपका मन है जो आप सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बट गिम्बल के साथ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट मैं खुश हूँ इसके साथ थोड़ा सा कि हाँ यार अब मैं कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ और आपके साथ नई चीज़ें अपनी शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी वीडियो से या इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकें, मैं उसका रिप्लाई बिल्कुल करूँगा। अगर आपका क्वेश्चन ज़्यादा ही बड़ा और बढ़िया होगा जिसके रिगार्डिंग मुझे सच में एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। सी यू, बाय।